श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 46 जावानार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्षुद्र पुष्करणी रे जो उद्देश्य साधित हुए ताहा सांगे सांगे सही समस्त उद्देश्य एक विराट और जल भंडार द्वारा तत्क्षण साधित हो पारे। ठीक सेहीपरि वेद पाठर कौन उद्देश्य एहा जे जानी ता द्वारा वेद पाठर प्रकृत उद्देश्य साधित हो पारे। भावार्थ वेदर कर्मकांड विभाग रे जो व्रत विधान और यज्ञानुष्ठान वर्णना करा जायछि ता मानवर आत्मानुभूति लाभ दिगरे क्रमिक उन्नति निमित्त उद्दिष्ट। भगवद गीतार पंचदश अध्याय रे वेद पाठर उद्देश्य बापुस परिष्कार भाव में कह जाइए। वेद पाठर उद्देश्य है समस्त मूल कारण श्रीकृष्ण को जानवा। तेणु आत्मानुभूति लाभर अर्थ है कृष्ण को जानवा एवं तांक सहित आमर की शाश्वत संबंध अच्छी जानवा। जीव मान कृष्ण सहित कि संबंध अच्छी भगवत गीतार पंचदश अध्याय वर्णना कर। जीवगण कृष्ण अंश विशेष अटंती तेणु व्यक्ति निज हृदय स्तूप कृष्ण चेतनार उत्थान करा वैदिक ज्ञानर सर्वोच्च शुद्ध स्तर अटे। ताहा श्रीमद्भागवतम निम्न मते स्वीकृत होइछि। अहोबत स्वपचोत गरीयान उज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुराज्य ब्रह्मानुचु नाम गृणन्ति जेते। हे प्रभु जो व्यक्ति आपणकर विद्यानाम कीर्तन करुचि से निज कूल अर्थात चंडाल कूल जन्म होते सुधा से आत्मानुभूतिर सर्वोच्च स्तर में अवस्थित बोली बुझाक पड़ो। ए प्रकार व्यक्ति समस्त तपस्या और साधना कर आसी कर सारी वैदिक कर्मकांड अनुजाई समस्त यज्ञ विधि अनुष्ठान कर करी सारी एवं समस्त तीर्थक्षेत्र भ्रमण करी और स्नान करी अनेक बार वैदिक साहित्य अध्ययन करी सारी बोली बुझा को हेबो। ए प्रकार व्यक्ति आर्यवंशर श्रेष्ठ व्यक्ति बोली बुझा को हेबो। तेणु व्यक्ति केवल वेदर कर्मकांड विभाग प्रति आकृष्ट न हो वेदर प्रकृत उद्देश्य कौन ताहा बुझा को हेबो। आउ मध्य से उन्नत धरणर इंद्रिय सुख उपभोग निमित्त स्वर्ग प्राप्ति इच्छा करिबा उचित नुहे। आजिकाली जुगरे समस्त वैदिक विधि विधान तथा व्रत विधि तथा अनुष्ठान विधि पालन करिबा एवं उपनिषद वेदांत आदि समस्त निर्देश को ग्रहण करने एक साधारण व्यक्ति पक्ष संभवपर नुहे। वेदर उद्देश्य को कार्यकारी करने को हेले खूब समय शक्ति और ज्ञान अर्थ दरकार। ए जुगरे यह संभवपर नुहे। पतित पावन गौर हरि बा चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित पंथा अर्थात भगवान दिव्य नाम कीर्तन द्वारा वेदर समस्त उद्देश्य साधित होता है। प्रसिद्ध वैदिक पंडित तथा प्रकाशानंद सरस्वती जितेबले श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न करले से कहती वेदांत दर्शन पाठ न करी एक पागलों भली केवल भगवान दिव्य नाम कीर्तन करुं से श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तर देले जे तांकर गुरु तांकु एक मूर्ख बोली कहले एवं तांकु उपदेश देले केवल भगवान श्रीकृष्णकर दिव्य नाम कीर्तन कर से ताहा ही केवल एक एवं पागलंक परी भावाविष्ट होई पड़िले। ए जुगरे अधिकांश लोक मूर्ख एवं वेदांत दर्शन बुझिबा निमित्त से मानंकर यथेष्ट ज्ञान नाही। जदि तुम्हें निरपराध भाव भगवानंकर दिव्य नाम कीर्तन करिबो ताहाले वेदांत दर्शनर सर्वोच्च उद्देश्य साधित हेबो। वैदिक ज्ञानर शेष कथा हेउची वेदांत एवं वेदांत दर्शनर प्रणेता तथा ज्ञाता हेउचन्ति भगवान श्रीकृष्ण एवं जेऊ महात्मा भगवानंकर दिव्य नाम कीर्तन रे आनंद अनुभव करंती से ही सर्वश्रेष्ठ वेदांतवादी अटंती। समस्त वेद पाठर रहस्य बा अंतिम उद्देश्य। जय श्री राधे कृष्ण।